पहले यहाँ चेक करके गए चौक थाना, चौक थाना से फिर ले गए, बोले कि वो पड़ेगा बाईपास थाना में, तो बाईपास थाना में ले गए, बाईपास थाना से फिर अभी इधर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, फिर यहाँ वाले सर बोल रहे हैं कि फिर से चौक थाना पड़ता है। आने छोटा व्यापारी है सर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, 3 महीने 4 महीने कमाई था। पटना के चौक थाना क्षेत्र के चौक शिकारपुर ओवर ब्रिज पुल पर शुक्रवार को चकनों ने एक व्यापारी से 1,20,000 रुपए उड़ा लिए गए। जहां पीड़ित व्यापारी ने घटना के बाद इसकी शिकायत पटना के चौक थाने से की, जहां व्यापारी ने उचकों ने बैग में रखे गए रुपए को ऑटो गैंग ने निकाल लिया। व्यापारी सुजीत कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से नवादा जिले का रहने वाला है, उसका नवादा में कॉस्मेटिक का दुकान है। आपको बता दें शुक्रवार को वह नवादा से बस से चलकर पटना पहुंचा था। उन्होंने बताया कि पटना महादेव स्थान NH30 पर बस से उतरने के बाद वह ऑटो पर बैठे और ऑटो में 4 लोग पहले से बैठे हुए थे। बाईपास से ऑटो वाले चौक शिकारपुर ओवर ब्रिज पुल पर उन्हें ऑटो से नीचे उतार दिया। उन्होंने देखा कि उसके बैग में रखा रुपया गायब है। इस बीच ऑटो लेकर ड्राइवर वहां से फरार हो गया। उन्होंने आशंका जताई कि ऑटो में सवार 4 उचक्कों ने उनके बैग में रखे गए रुपए को उड़ा लिए गए। घटना के बाद पीड़ित व्यापारी सुजीत कुमार ने इसकी शिकायत पटना सिटी के चौक थाने में दी। बता दें कि चौक थाने और बाईपास थाने के बीच व्यापारी का मामला फंसा हुआ है। व्यापारी मामला दर्ज कराने के लिए दोनों थाने में भटक रहा है। अंततः घटना को चौक थाने में दर्ज किया गया है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। सर पुलिस तो लेके वहाँ पे एक दुकान वाला से चेक करा है, पहले यहाँ चेक करके गए चौक थाना, चौक थाना से फिर ले गए, बोले कि वो पड़ेगा बाईपास थाना में, तो बाईपास थाना में ले गए, बाईपास थाना से फिर अभी इधर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, फिर यहाँ वाले सर बोल रहे हैं कि फिर से चौक थाना पड़ता है। कितने देर से घुमा रहे हैं हम? तो सर ये कांड 10:15 बजे ही हुआ, जब उस टाइम से ही हम घूर रहे हैं इधर से उधर। हाँ सर, बहुत परेशान है, छोटा व्यापारी है सर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, 3 महीने 4 महीने कमाई था, उतना किसी तरह से करके जमा करके छोटा छोटा पैसा जोड़ के लाए हैं सामान लेने के लिए। अब बताइए हम लोग के साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है। जिला से आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे? पटना सिटी आ रहे थे दुकान का सामान लेने के लिए। मेरा मनिहारी कॉस्मेटिक का दुकान है जी। क्या नाम हुआ? मेरा सुजीत कुमार नाम है। पिता श्री चंद साहु, ग्राम पोस्ट रो हुआ, जिला नवादा। कैसे घटना घटी? वो बाईपास में हम बस से उतरे, वहाँ से ऑटो से हम चौक पे आ रहे थे सिटी चौक, और बीच में ऑटो वाला बैठा लिया और वो कंजिस्टेट करके बैठा लिया ऑटो में, बीच में 4 लोग को बैठा लिया, बोला आगे पीछे होने के लिए, और उसी बीच में मेरा पैसा निकास लिया और समझ में ना आया, फिर हमको मेन वही स्टेशन वाला चौक पे ही उतार दिया। कितना पैसा निकाला? 1,20,000 रुपया। 24 को सुजीत कुमार के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वो अपने घर से 1,20,000 रुपया लेकर यहाँ मारूफगंज मंडी में मार्केटिंग करने के लिए आ रहे थे। जब वे बस से महादेव स्थान बाईपास थाना क्षेत्र में उतरे, उसके बाद वो एक ऑटो पे बैठे, जब ऑटो उन्हें आरओबी पे उतारा, उसके बाद वो अपना बैग चेक किए तो उसमें रखा हुआ 1,20,000 रुपया उनके बैग में नहीं था, जिससे ज्ञात होता है कि ऑटो में बैठे व्यक्ति द्वारा उनका पैसा चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और अनुसंधान किया जा रहा है।